देहरादून में एक युवक ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक ने अपने ही घर वालों और पुलिस कांस्टेबल पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया। पहले सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करके अपनी आप बीती सुनाई, फिर अपने जीवन को खत्म कर लिया। ये मामला देहरादून के गुडरीच का है। मृतक युवक का नाम अजीत है। अजीत सब्जी लेने का बहाना बनाकर शक्ति नहर के पास पहुंचा और वहां उसने अपना वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। वीडियो में मृतक अपने ही परिवार के लोगों पर और थाना विकास नगर में नियुक्त कांस्टेबल विकास त्यागी पर प्रताड़ना का आरोप लगाते नजर आ रहा है। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है और आरोपी कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में मृतक की धर्मपत्नी कमल की लिखित तहरीर के आधार पर थाना विकास नगर में 306 IPC के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और मामले में विवेचना गतिमान है। उसमें वीडियो में एक हमारे कांस्टेबल विकास त्यागी के विरुद्ध भी कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं और उस उन कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से मेरे द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में लाइन हाजिर कर लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।